Hello, everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello, children, how are you all? Fit and fine? That's great. Okay, yes, class second. It's our chapter number two, and the topic is.

Look at the book topic gender and listen to me carefully. Okay, I'll ask questions or you will have to answer them. Okay, let's start. We read the lesson about truth shall set you free. Let's once again read a sentence from that lesson He saw grandma's pet duck.

ऑल लिविथिंग लिविंग थिंग्स आर आयदर मेल और फीमेल सारी चीज़ें क्या होती हैं मेल या फीमेल है ना उनमें से एक चीज़ होती है या वो मेल होती हैं या फीमेल होती हैं द ही वर्ड्स आर कॉल्ड मेस्कुलिन जेंडर एंड द शी वर्ड्स आर कॉल्ड फेमिन इन जेंडर एग्जाम्पल बॉय मेस्कुलिन जेंडर गर्ल फेमिन जेंडर ब्रदर सिस्टर हजबेंड वाइफ Then the next phase is to match them. What will be the gender of uncle? Yes, that is option B. Aunt. Actor. Actress. Then king. Do it by yourself. Bull. Cow. Sir. Madam. Got it? Then we will change the genders in sentences also. That's also very easy. Sir, if you check to check what is the noun, and then you will change its gender. Read the first sentence The boy was playing. The boy was playing. The noun is boy, and the gender is male. So you will have to change it in female. What's the change boy ka kya girl the girl was playing my grandfather was a teacher the answer is my grandmother was a teacher okay rest of three you will do by yourself first of all underline the noun then change its gender okay then the next is फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल जेंडर्स माई ग्रैंड फादर एंड डैश केम टू माई हाउस आप उसका जेंडर साथ में लिखोगे ये मेल है तो फीमेल क्या आएगा ग्रैंड फादर yes, का फीमेल क्या रहेगा यस ग्रैंड मदर माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर केम टू माई हाउस देन बोथ हजबैंड एंड हजबेंड का फीमेल यस हजबेंड का फ़ीमेल Wife, okay. You can do it by yourself now. What's the gender of son? What's the gender of actor? And what's the gender of lion? We have already done these words. Uh, the next topic is vocabulary. In today's vocabulary, we will learn relationships. In our family, we are having so many relationships now. तो टुडे वी विल डिस्क ऑल द रिलेशनशिप इन द लेसन टूथ शेव सेट यू फ्री वी रीड अबाउट जोनी जोनीज़ ग्रैंड पा एंड ग्रैंड तो दीज आर द रिलेशनशिप्स ग्रैंड एंड ग्रैंड पा आर 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 रिलेटिव्स दीज आर आर रिलेटिव्स तो उन रिलेटिव्स के कुछ नेम होते हैं उन रिलेशनशिप्स को कुछ नेम से बुलाते हैं जैसे कोई हमारे मम्मा हैं कोई पापा हैं कोई दादा हैं कोई दादी हैं तो ये सारे हमारे क्या हैं

आपके साथ रहते हैं ना आपके पापा के पापा कौन है आपके यस yes, आपके दादाजी और दादाजी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे ग्रैंड पा यर मदरस मदर आपके मम्मा की मम्मा थिंक आपके मम्मा की मम्मा कौन है यस yes, आपके नानी जी नानी जी को क्या बोलते हैं ग्रैंड यर फादर्स ब्रदर इज़ योर आपके पापा के भाई थिंक हु इज़ योर फादर्स ब्रदर आपके पापा के भैया कौन से हैं उनका नाम क्या है उनको आप कैसे बुलाते हो यस yes, चाचू और ताऊजी ना तो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अंकल अंकल यू एन सी एल ई अंकल योर मदर्स सिस्टर इज़ योर आपके मम्मा की सिस्टर आपके मम्मा की सिस्टर यस मासी मासी को क्या बोलेंगे आंट योर अंकल सन आपके चाचा जी या ताया जी के जो बेटे होते हैं वो आपके क्या होते हैं कजन सी ओ यू एस आई एन कजन ओके द नेक्स्ट इज ऑल्सो ये वर्ड आपके जम्बल वर्ड्स हैं इनको उल्टा पुलटा लिखा हुआ है इनको आप सही से लिखोगे तो वो एक रिलेशनशिप का नेम बनेगा ट्राई टू डू इट ट्राई टू डू इट जैसे इसमें से एक ग्रैंड फादर है एक सिस्टर है है ना एक नीस है एक मदर है तो वो आपको बनाने हैं इसको राइट करके इनके स्पेलिंग्स सीधे करके आपको इसमें राइट करने हैं ओके ट्राई टू डू इट हूँ दिस पॉइज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशनशिप्स यू आर अ डैश टू योर पेरेंट्स आप अपने पेरेंट्स के क्या हो अपने मम्मी पापा के क्या हो चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड चाइल्ड होते हैं बच्चे और ग्रैंड चाइल्ड होते हैं पोता पोती या दोता दोती. तो आप अपने मम्मी पापा के क्या हो बच्चे हो चाइल्ड यू आर अ डैश टू योर ग्रैंड पेरेंट्स तो ग्रैंड पेरेंट्स के हम क्या होते हैं ग्रैंड चाइल्ड यू आर अ डैश टू योर अंकल आप अपने अंकल के क्या लगते हो अपने अंकल के हम लगते हैं नेफ्यू या नीस अगर आप लड़की हो तो आप नीस हो अगर आप लड़के हो तो आप नेफ्यू हो ओके okay? भतीजा भतीजी बोलते हैं ना दीज आर कॉल्ड नेफ्यू और नीस यू आर डैश टू योर आंट सन आप अपने मासी के बेटे के क्या हो या अपने चाचा चाची के बेटे के क्या हो कज़न कजन ओके यू आर अ डैश टू योर कज़न आप अपने कज़न के क्या हो कज़न वो आपका कज़न और आप उसके कज़न ओके रिलेशन समझ में आए इंटरेस्टिंग है ना पता चला आपको आपके दादाजी कौन है आपके पापा के पापा और आपके नाना जी कौन है आपके मम्मी के पापा ओके तो आपको ये सारे रिलेशन अपनी फैमिली के समझने हैं घर पे डिस्कस करना मम्मा पापा से पूछना कि आप किसके नेफ्यू हो आप किसके ग्रैंड चाइल्ड हो ओके okay? आपके कज़न कौन हैं आप किसके नेफ्यू हो आप किसके ग्रैंड चाइल्ड हो और आप किसके चाइल्ड हो ओके और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू टॉक टू समवन व्हेन यू मीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब हम किसी से बहुत लंबे टाइम के बाद मिलते हैं तो हमें कैसे उनसे बात करनी चाहिए वी विल लर्न द इंग्लिश सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक वी रीड द लेसन टू शेयर सेट यू फ्री लेट्स रीड अ सेंटेंस फ्रॉम दैट लेसन हाउ आर यू स्वीट हार्स आई एम सो हैप्पी टू सी यू टू इन दिस लेसन जॉनी एंड सेली गो टू देयर ग्रैंड मार्स फार्म दिस इज हाउ देयर ग्रैंड मार ग्रीटिड दैम तो इसमें क्या है कि सैली और जोनी बहुत टाइम के बाद अपने दादा दादी के पास गए हैं तो ये जो सेंटेंसेस हमने पढ़े तो इससे पता चलता है कि उनकी दादी माँ कैसे खुश होकर उनका वेलकम कर रही है क्या बोल रही है हाउ आर यू स्वीट हार्ट्स कैसे हो तुम लोग आई एम सो हैप्पी टू सी यू टू मुझे तुम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा वी कीप मीटिंग पीपल एवरीडे समाइम्स वी मीट आर फ्रेंड्स एंड रेलेटिव आफ्टर लॉन्ग टाइम डू यू नो हाउ टू टॉक इन सच अ सिचुएशन लेट्स लर्न हम बहुत से हम बहुत से लोगों से डेली मिलते हैं और कई बार क्या होता है कि हम अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिलते हैं तो हम उनसे इस सिचुएशन में कैसे बात करेंगे वी विल लर्न टुडे हाउ आर यू मिलते अपने कैसे पूछते हैं आप कैसे हो हाउ नाइस टू सी यू अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा दोबारा तुमसे मिलकर आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन नाइस टू सी यू अगेन ग्लेक्ट टू सी यू आफ्टर सो मैनी डेज दीज आर समिफ़रेंट वेज टू टॉक वैन वी मीट सम वन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो आप इनमें से कोई भी सेंटेंसेस बोल सकते हो अपने सिंपली क्या बोलते हैं हाउ आर यू ये तो पूछना ही है उसके बाद एक सेंटेंस अपने को और बोलना चाहिए आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन मुझे तुमसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा ना और या हम भी बोल सकते हैं नाइस टू सी यू ग्लैड टू सी यू अगेन आफ्टर सो मैनी डेज ओके तो इसका कुछ रिस्पॉन्स भी होता है जब अपने से कोई ऐसा बोलता है तो हमें क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए हमें बोलना चाहिए आई एम फाइन थैंक यू फाइन थैंक्स एवरी थिंग इज़ फाइन बाई गॉड्स ग्रेज भगवान की दया से सब कुछ बहुत अच्छा है गुड फाइन गेटिंग ऑन वेल सब बहुत अच्छा चल रहा है ओके okay? तो आपको इन सेंटेंसेस को बोल बोल के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि जब भी आप इसको बोलो तो इसको फ्लुएंटली बोल पाओ आप इसको बोलते हुए अटको नहीं ना कुछ नया सीखते हैं तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ना तो आपको ये सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करनी है एवरीथिंग इज़ फाइन बाय गॉड्स ग्रेस इट्स वेरी नाइस सेंटेंस और यू कैन सेन गेटिंग ऑन वेल ओके लेट्स हैवान्स एट एन एग्जाम्पल अभी देखते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं काफ़ी टाइम बाद मिले हैं तो वो कैसे बात करते हैं रीड द कन्वर्सेशन लाउडली वन ऑफ वन ऑफ योर विल बी ए एंड अदर विल बी बी तो दो, दो लोगों के साथ इसको प्रैक्टिस करना है एक ए वाले सेंटेंसेस बोलेगा और दूसरा बी वाले सेंटेंसेस बोलेगा लाइक like ए बोल रहा है हाय मधु नाइस टू सी यू अगेन तो बी क्या बोल रहा है हेलो श्रीकांत हाउ आर यू तो एक मधु है एक श्रीकांत है दोनों आपस आप में काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं तो कैसे बात करते हैं फाइन थैंक्स वाट अबाउट यू तुम कैसे हो आई एम फाइन टू मैं भी ठीक हूँ वेयर वर यू ऑल दीज डेज इतने दिनों तक तो कहाँ थे I had been to my grandpa's house. मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर गया हुआ था When did you return? तो तुम वापस कब आए I returned yesterday. मैं कल ही वापस आया हूँ That's great. See you later. अच्छी बात है तो अपने दोबारा मिलते हैं Carry on. Bye. अच्छा लगा ना ऐसे बात करके तो आपको ये प्रैक्टिस करके इसकी वीडियो बनानी है और आपको मुझे सेंड करनी है देखो जो भी वर्क दिया जाता है वो जैसे जैसे आप करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगेंगे ओके okay? तो डू योर वर्क नीटली एंड ऑन टाइम और अपनी बुक्स नोटबुक्स टाइमली स्कूल में करेक्शन के लिए देकर जाओ ताकि उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स लगें और जो भी ऑडियो या वीडियो बनाने के लिए बोला जाता है वो भी आपको बनाकर सेंड करनी है ओके okay? तभी आपको आपके टीचर्स चेक कर पाएंगे ना कि आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हो आपको कितना आ रहा है तो कैसे मार्क्स देंगे आपको ओके okay? डू इट एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग के लिए क्या रहता है यू विल रीड दिस पैसेज केयरफुली एंड देन यू विल राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन्स अ पैराग्राफ इज अबाउट द डॉल्फिन्स हैव यू एवर सीन डॉल्फिन क्या आपने कभी डॉल्फिन्स देखी हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मरीन मैमल्स मरीन मैमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं तो ये जो डॉल्फिन्स होती हैं सबसे प्यारी होती हैं इसमें पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें से सबसे प्यारी होती हैं डॉल्फिन्स। देर आर अराउंड फोर्टी थ्री स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स फाउंड इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में कम से कम फोर्टी थ्री टाइप की डॉल्फिन्स होती हैं मोस्ट ऑफ द स्पीशीज लिव इन सॉल्ट वाटर बट आल्सो लिव इन द फ्रेश वाटर लोकेशंस ज़्यादातर जो इस डॉल्फिन्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं सॉल्ट वाले वाटर में बट कुछ फ्रेश वाटर में भी रहती हैं देयर आर साइजिज वेरी 1.2 वन पॉइंट टू मीटर्स अप टू नाइन पॉइंट फाइव मीटर्स एंड वे फ्रॉम फोर्टी के जी अप टू डैश ट्स तो इनका वेट भी और साइज भी अलग अलग होता है ये वन पॉइंट टू मीटर से लेके नाइन पॉइंट फाइव मीटर्स तक हो सकती हैं और इनका वेट भी कम से कम 40 और आगे काफ़ी टन्स तक होता है द बॉडी ऑफ द डॉल्फिन इज़ ग्रेश ब्लू इनके बॉडी का कलर ग्रेश ब्लू होता है डॉल्फिन्स मोस्टली ईट फिश एंड स्क्विड डॉल्फिन्स आर नोन फॉर देयर इंटेलिजेंस एजिलिटी एंड प्लेफुल बिहेवियर ये बहुत इंटेलिजेंट होती हैं एजाइल होती हैं मतलब बहुत फटाफट से मूव करती हैं और अच्छा इनका बिहेवियर होता है दे एंटरटेनर्स बाई लीपिंग आउट ऑफ द वॉटर डॉल्फिनस कम्युनिकेट यूजिंग ए वाइटी ऑफ विसल्स लाइक साउंड्स तो ये हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन करती हैं जब ये पानी से बाहर लीप करती हैं उछल के बाहर आती हैं और अंदर जाती हैं ना तो बहुत एंटरटेनिंग होता है वो और ये वैरायटी ऑफ विसल्स विसल के जैसी आवाज़ें निकाल के ये बातें करती हैं तो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ एंड इफ़ यू हैव लिसन द पैराग्राफ केयरफुली नाउ यू आर एबल टू राइट द क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो आपको एक बार फिर से इसको रीड करना होगा सुनना होगा ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स ओके हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन आर फाउंड इन द वर्ल्ड वी हैव रेड इन द पैराग्राफ राइट द आंसर कितनी टाइप की होती हैं राइट अबाउट द साइज एंड वेट ऑफ डॉल्फिन उनका साइज और वेट कितना कितना हो सकता है दैट इज ऑल्सो क्लियरली मैंशनड इन द पैराग्राफ फाइंड द लाइन एंड राइट हेयर फो वाट आर डॉल्फिन नॉन डॉल्फिन किस लिए फेमस हैं क्यों अच्छी लगती हैं वो सबको वेयर डू डोल्फिन्स फाउंड कहाँ रहती हैं डोल्फिन्स कहाँ पर रहती हैं हाउ डू डोल्फिनस एंटरटेनर्स हमें डोल्फिन्स कैसे एंटरटेन करती हैं ओके राइट द आंसर्स एंड यू कैन फाइंड द आंसर इन द पैराग्राफ रीड इट केयरफुली एंड देन मैंशन द आंसर्स गुड देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको टॉपिक दिया हुआ है एनिमल्स यार फेवरेट एनिमल यूज़ द फॉलोइंग क्वेश्चन एज हिन्स तो ये आपको कुछ क्वेश्चन हैं इसी के आंसर्स बना के अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे देन यू विल बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ सबसे पहले आप क्या बताएंगे विच इज फेवरेट एनिमल तो आंसर विल बी माई फेवरेट एनिमल इज जो भी आपका फेवरेट एनिमल है वो लिखें डिस्क्राइब योर फेवरेट एनिमल आपका फेवरेट एनिमल कैसा दिखता है उसकी डिस्क्रिप्शन दोगे उसकी कितनी लेग्स हैं कैसा कलर है वो कैसे चलता है कहाँ रहता है वो सारी चीज़ें आपको मैंशन करनी है व्हाट डज़ इट ईट उसको क्या खाना पसंद है वेयर इज इट फाउंड ये कहाँ रहता है वाई डू यू लाइक इट आप इसको क्यों पसंद करते हो तो जब ये सारे क्वेश्चन के आप आंसर लिखोगे तो अपने आप इसका एक पैराग्राफ बन जाएगा ओके okay? तो कम से कम आपकी एट लाइन्स इसमें होनी चाहिए यू विल राइट मिनिमम एट लाइन्स ऑन दिस टॉपिक विच इज़ योर फेवरेट एनिमल नेक्स्ट इज स्टोरी राइटिंग कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द वर्ड्स गिवन बिलो आपको ये स्टोरी रीड करनी है और ये स्टोरी आपने सुनी होगी पहले गोल्डन एग वाली स्टोरी कि इसको रोज़ एक एग मिलता था बट वो गुज़ क्या कर आ, क्या करता था वो मैन उसको लालच आ गया था फिर उसने क्या किया अपने गूज को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाली कहानी सुनी है ना ये वही वाली सेम स्टोरी है तो उसी से रिलेटेड आपको इसमें से हिंट दिए हुए हैं और आपको फिलअप्स में भरने हैं जब उसने लालच में आके उस गु... गोल्डन एग देने वाली मुर्गी को काट दिया तो क्या हुआ था क्या उसको बहुत सारे अंडे मिले थे उसके पेट में से उसके स्टमक में से नो no, उसको कोई एग्स नहीं मिले थे तो उसको वो बहुत पछतावा हुआ था फिर ओके वंस सपोन ए टाइम देअ लिव्ड अ मैन एंड हिज वाइफ दे गॉट अ गूज दैट डैश वन गोल्डन एग एवरी डे दैट लेड जो देता था वन गोल्डन एग एवरी डे दे वॉन्टेड टू गेट रिच रिच फास्ट वो जल्दी जल्दी रिच होना चाहते थे सो so दे क्या किया डिसाइडेड उन्होंने डिसाइड किया टू किल गोल्डन गूज एंड एंड they decided to kill the golden goose and dash out all the golden eggs and take out all the golden eggs from its stomach the man killed the goose with a knife and opened its stomach however when they cut open the bird they didn't find any eggs they both felt sad कट कर दिया उसका स्टमक बट उनको कुछ भी नहीं मिला तो वो बहुत उदास हो गए देन वॉट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी नेवर बी ग्रीडी जो डेली उनको गोल्डन एग मिल मिल रहा था वो भी खत्म हो गया ना उन्होंने गोल्डन एग वाले गूज को ही कट कर दिया मार दिया उसको तो लालच नहीं करना चाहिए ओके देन अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पैराग्राफ राइटिंग राइट ए पैराग्राफ अबाउट वाई शुड वी बी काइंड टू एनिमल्स हमें एनिमल्स के लिए काइंड क्यों होना चाहिए उनका ध्यान क्यों रखना चाहिए लिविंग थिंग्स ये इसके हिंट्स किए हुए हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर एनिमल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ना जैसे हम इम्पॉर्टेंट हैं अर्थ पर वैसे ही एनिमल्स भी इम्पोर्टेंट हैं और वो हमें बहुत हेल्प करते हैं एनिमल्स हेल्प अलॉट द गि फूड एंड क्लोदिंग हमें क्या क्या मिलता है वो आप लिखेंगे इसमें जैसे यू कैन से गिव्स अस मिल्क गिव्स अस वूल ओके तो क्या क्या हेल्प मिलती है हमें एनिमल्स से वो अपने इसमें राइट करेंगे दैट्स वाई तो एंड में अपने लिखेंगे वी शुड कीप वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स ओके स्टूडेंट्स बाय